हेलो एवरीवन, इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम देखेंगे रीड सोलोमन कोड्स। और रीड सोलोमन कोड्स के दे आर द सब क्लासेस ऑफ नॉन बाइनरी BCH कोड्स। सो अगेन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही कवर करेंगे इस टॉपिक को। द एनकोडर फॉर एन रीड सोलोमन कोड डिफर्स फ्रॉम ए बाइनरी एनकोडर इन दैट इट ऑपरेट्स ऑन मल्टीपल बिट्स रादर देन इंडिविजुअल बिट्स। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है एक रीड सोलोमन और एक नॉर्मल बाइनरी कोड्स हैं, वो क्या है कि जो रीड सोलोमन का इनकोडर होता है वो मल्टीपल बिट्स के ऊपर काम करता है, जबकि नॉर्मल बाइनरी इनकोडर सिंगल सिंगल बिट के ऊपर काम करता है। नाउ अगेन वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ रीड सोलोमन कोड्स विच विल बी हेल्पफुल इन योर थ्योरी एग्जाम्स। तो हम नॉर्मली हम क्या कहते हैं, नॉर्मली हम कहते हैं कि n, k कोड इज़ यूज टू एनकोड m बिट सिंबल्स। ठीक है, शुरू से हमने जब से एनकोडिंग शुरू करी है टॉपिक, हम वही देख रहे हैं n, k कोड। सो सबसे पहली बात तो इसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। सो ब्लॉक लेंथ इज, सबसे पहली बात ब्लॉक लेंथ कितनी होती है, ब्लॉक लेंथ जो कि है n, इट इज़ गिवन बाय 2 to the power m-1 सिंबल्स। ठीक है, सो रीड सोलोमन कोड में जो ब्लॉक लेंथ है वो कितनी है, 2 to the power m-1। देन मैसेज साइज, जो मैसेज बिट्स हैं उसका साइज कितना होता है, उसका साइज होता है k सिंबल्स। देन वी हैव द पैरिटी चेक साइज, जो पैरिटी चेक बिट्स ऐड होती हैं मैसेज के साथ वो होती हैं n-k विच इज इक्वल्स टू 2 to the power t सिंबल्स। देन फाइनली वी हैव द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस इसको हम डी मीन से भी करते हैं, वो होता है 2t+1 सिंबल्स। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रीड सोलोमन कोड्स एंड एज यू कैन सी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ BCH कोड्स, क्योंकि ये भी एक BCH कोड्स की सबसेट है। सो काफ़ी इसकी प्रॉपर्टीज BCH कोड्स की तरह होती हैं। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो इसमें रिडंडेंट बिट्स कितनी ऐड होंगी, अगर n हमारी टोटल ब्लॉक लेंथ है और उसमें से k हमारा मैसेज बिट्स है, तो रिडंडेंट बिट्स कितनी हो जाएंगी, n-k, सिंपल है वो तो। सो नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स इज इक्वल्स टू n-k, सो इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ वी विल सी द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ रीड सोलोमन कोड्स। रीड सोलोमन कोड्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा इसको हम यूज़ करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि CD, DVD, इन सब में हम रीड सोलोमन कोड्स का यूज़ करते हैं। देन वी ऑल्सो यूज़ इट इन वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन में डाटा के ट्रांसफ़र के लिए हम रीड सोलोमन कोड्स का यूज़ करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यूज़ होता है। जितने भी डिजिटल TVs आप देखते हो, DTH boxes, उन सब में भी रीड सोलोमन कोड्स का यूज़ है, एंड ऑल्सो इन हाई स्पीड मॉडम्स। सो बेसिकली आप देख सकते हो जहाँ पे भी हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र की ज़रूरत है वहाँ पे हम रीड सोलोमन कोड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ द एडवांटेजेस ऑफ रीड सोलोमन कोड, कि अगर ये बाइनरी कोड्स और BCH कोड्स से ज़्यादा बेटर क्यों हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज है इसका हाईएस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिडंडेंसी, इट हैज़ द हाईएस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिडंडेंसी। ठीक है, देन इन द रीड सोलोमन कोड्स इट इज़ पॉसिबल टू एडजस्ट द ब्लॉक लेंथ, इट इज़ पॉसिबल
टू एडजस्ट ब्लॉक लेंथ एंड सिंबल साइज. सो अगर हमें कभी एक बहुत बड़ा मैसेज को भेजना है तो हम इसके अंदर ब्लॉक लेंथ और सिंबल साइज को एडजस्ट कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ कोड रेट. डिफरेंट डिफरेंट कोड रेट्स होते हैं रीड सोलोमन कोड में. सो इट प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ कोड रेट एंड एफिशिएंट डिकोडिंग टेक्निक्स आर अवेलेबल. ठीक है. सो एफिशिएंट डिकोडिंग टेक्निक्स आर अवेलेबल. So this is the basic theory of Reed-Solomon codes. Now we will see the generator polynomial of Reed-Solomon code. कि एक Reed-Solomon code का जो generator polynomial है वो क्या होता है. So the generator polynomial. तो generator polynomial एक Reed-Solomon code का इस formula से देते हैं हम. gx is equals to x plus बीटा एक्स प्लस बीटा स्क्वेयर एंड इट गोज अप टू एक्स प्लस बीटा टू टी. और यहाँ पे अगेन टू टी का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, टी एरर करेक्टिंग कोड. सो दिस इज द जनरेटर पॉलिनोमियल ऑफ बीसीएच कोड्स, सॉरी रीड सोलोमन कोड्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीड सोलोमन कोड्स. बेसिकली हमने इसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है अभी. इन द फ्यूचर लेक्चर्स व्हेन द टाइम विल परमिट आई विल मेक एनकोडिंग एंड डिकोडिंग वीडियोस ऑन रीड सोलोमन कोड्स. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.